हेलो फ्रेंड्स, आज है क्रिसमस डे और आप सभी को हैप्पी क्रिसमस डे की बहुत बहुत बधाइयाँ। तो हम आज की इस वीडियो में बताएंगे कि वैसे तो क्रिसमस डे जो है ईसाइयों का त्यौहार है, ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है, लेकिन इस क्रिसमस डे पर सेंटा क्लॉज का क्या महत्व है, इसी दिन सेंटा क्लॉज क्यों लाल कपड़े पहनता है, तो ये पूरी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में बताई जाएगी। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, मैं आपको जो है ना आज सारे डाउट क्लियर करने वाली हूँ। वैसे तो क्रिसमस डे में जो है बहुत सारी कहानी प्रचलित हैं। कहा जाता है कि इस दिन जो है भगवान यीशु, जिसे जीसस बोलते हैं, उनका जो है ना जन्म हुआ था। लेकिन सेंटा क्लॉज से ये क्रिसमस डे कैसा कनेक्टेड है, मीन्स भगवान यीशु का अगर इस दिन जन्म हुआ था तो वहाँ पर इनका तो कहीं नाम नहीं आता, सेंटा क्लॉज का नाम आता, और सेंटा क्लॉज इस दिन जो है ना लाल कपड़े पहनता है, तो ये एक रहस्यमय बात है। तो गाइज मैं बता दूँ, सेंट निकोलस जो थे वो ही सेंटा क्लॉज है, क्या आपको ये बात पता है? जी हाँ, सेंट निकोलस जो कि जिनका जन्म 3री सदी में जीसस की मृत्यु के बाद 280 साल बाद हुआ था। कहाँ पर हुआ था इनका जन्म हुआ था गाइस? उत्तरी ध्रुव के एक मायरिया में इनका जन्म हुआ था। आज से 1500 साल पहले सेंटा क्लॉज का हुआ था जन्म, ठीक। तो सेंटा क्लॉज जो थे गाइस एक अच्छे परिवार से, मीन्स रिच फैमिली से बिलोंग करते थे। तो इनके माता पिता इन्हें बचपन में ही छोड़कर चल बसे और जो है बहुत सारी संपत्ति इन्हें दे गए। तो इन्होंने उस संपत्ति का जो है यूज़ जो है जो गरीब लोग थे उनकी भलाई में लगा दिया, क्योंकि ये एक दरिया दिल इंसान थे। इनकी ज़िंदगी का पर्पस था गरीब लोगों की मदद करना और छोटे छोटे बच्चों को सुखी करना। तो ये बात सेंटा क्लॉज के लिए बहुत ज़्यादा प्रचलित है कि एक बार इन्हें जब ये पता चला कि एक गरीब परिवार में 3 बेटी हैं और उनकी शादी जो है ना दहेज को लेकर नहीं हो रही है, क्योंकि उस समय दहेज प्रथा थी तो उनकी शादी नहीं हो रही थी। तो जब बात इसका सेंटा क्लॉज को पता चला तो सेंटा क्लॉज रात में लाल कपड़े पहनकर आए। अब ये बात आपका यहाँ पर डाउट क्लियर हो जाएगा कि लाल कपड़े क्यों पहनता है सेंटा क्लॉज क्रिसमस डे वाले दिन, ये बात यहीं से शुरू होती है। तो वो लाल कपड़े पहनकर आया और उसने जो है ना सोने की भरी गठरी को जो है ना एक चिमनी में डाल दिया। वो सोने की गठरी उस चिमनी के अंदर जो मोजे थे उसमें सारी चली गई। तो सुबह उठकर उस लड़की ने जो है जब उस मोजे को उठाया तो उसमें सोने के सिक्के मिले। इस तरह पहली लड़की की शादी हो गई। इसी तरह जब दूसरी लड़की की शादी का नंबर आया तब भी सेंटा क्लॉज आधी रात को छुपकर ऐसे ही आया और तब भी उसने चिमनी में ऐसे पैसे डाले और चोरी छुपे उन्हीं पैसों के धन से उस लड़की दूसरी लड़की की भी शादी हो गई। अब बारी आई तीसरी लड़की की। जब सेंटा क्लॉज आधी रात को ऐसे छुपकर आया तो इस बार जो है उस परिवार के मुखिया, मीन्स जिनकी वो बेटी थी, उसने सेंटा क्लॉज को देख लिया कि ये लाल कपड़े पहनकर आता है और ये हमारी मदद करता है। तो सेंटा क्लॉज ने मना किया कि ये बात किसी को भी ना बताए, लेकिन ये बात छुपी ना और पूरे जो है वहाँ मारिया में फैल गई। और तब से ही सेंट निकोलस जो हैं बहुत ज़्यादा लोगों में प्रचलित हो गए लोग। तो सेंटा क्लॉज के लाल कपड़े पहनने का यही था राज कि अब आज जो है सेंटा क्लॉज की जो है मृत्यु भी हो गई है। 343 में ही सेंटा क्लॉज मर गए थे, लेकिन ये कस्टम आज भी चला हुआ है। लोग भेष बदल बदल कर जो है सेंटा क्लॉज बनते हैं और लाल कपड़े पहनते हैं, क्योंकि सेंटा क्लॉज जो था आधी रात को बच्चों को गिफ्ट देने इस दिन आता था, क्योंकि वो 25 दिसंबर वाले दिन जिस दिन भगवान यीशु का जन्म हुआ था वो नहीं चाहता था कि इस दिन जो है ना कोई भी दुखी रहे, सबको सुखी देखना ही सेंटा क्लॉज की जिंदगी का पर्पस था। तो वो जो है अपने जो डियर होते हैं, जो हिरन होते हैं, उन पर बैठकर आता था, ऐसा लोग मानते हैं, और जो है बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को गिफ्ट देकर जाता था। तो बस उसी की याद में गाइज ये सेंटा, आपका सेंटा क्लॉज की याद में, और वो एक अच्छे इंसान थे इसलिए ये आपका क्रिसमस डे मनाया जाता है। तो बस अब इस वीडियो को लास्ट करते हुए हम आपसे कहेंगे हैप्पी क्रिसमस डे एंड एडवांस इन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आप सब खुश रहिए, न्यू ईयर को एंजॉय कीजिए, आप सभी की ज़िंदगी में खुशियाँ आए, ये हमारी दिल से दुआ है। तो बस गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।